एंड होप यू विल बी फाइन। हमने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टडी किया था कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। आज हम हैश कोड और एक्सेस स्पेसिफायर्स के बारे में स्टडी करेंगे। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हैश कोड एक ऐसा कोड होता है जो कि एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं क्लासेस के, उन सबका अपना एक अलग यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, और ये जो होता है ये हेक्साडेसिमल कोड होता है, इसलिए इसे हैश कोड कहा जाता है। तो देखेंगे, सबसे पहले मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ। मैंने एक क्लास बनाई पर्सन नेम की। अब मैंने आपको ये बताया हुआ है कि अगर हम प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं तो जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग दिखाते हैं। तो हमने दो चीज़ें ली, एक हमने नेम लिया, नेम हमेशा किस में होगा, स्ट्रिंग फॉर्म में होगा, और एज हमने किस में ले ली, इंटीजर वेरिएबल में ले ली। स्ट्रिंग आपने देखा होगा, हमने डबल कोट्स में कुछ भी लिखा तो ये क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कहलाता है। बट जावा के केस में स्ट्रिंग एक क्लास है, और पहले हम क्या करते थे, सी ओ सी प्लस में कैरेक्टर एरे बनाते थे। यहाँ पर हमें कैरेक्टर एरे नहीं बनानी है, यहाँ पर हमें डायरेक्टली हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक मेथड बनाएंगे जिसका मैंने नाम दिया है void talk। पर्सन क्या कर सकता है भाई, पर्सन टॉक कर सकता है। तो इसमें हम दो चीज़ें प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एज इज प्लस ऑफ एज। नाउ सेकेंड, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नेम इज प्लस ऑफ नेम। तो यहाँ पर हमने मेथड बनाया। जो हमारा मेथड होता है वो हमारा बिहेवियर दिखाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए, अब हमने क्लास बना ली। अब इस क्लास को अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा इस क्लास का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरी क्लास बनाएंगे, उस क्लास के इनसाइड हम एक मेन मेथड बनाएंगे। तो मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई डेमो नेम की, इसके इनसाइड मेन मेथड लिखा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे बनाई, नाउ। अब ऑब्जेक्ट बनाने का जो सिंटेक्स था वो मैंने आपको बताया था, हम क्लास का नेम लिखते हैं, रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं, न्यू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, उसके बाद हम दोबारा क्लास नेम को लिखते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मेरी जो क्लास थी वो पर्सन थी, तो मैंने क्या लिखा, पर्सन क्लास का नेम लिखा, ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने P1, उसके बाद मैंने लिखा न्यू, देन फिर मैंने क्या लिख दिया, पर्सन। अब जो क्लास पर्सन बनाई गई थी उसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट का हैश कोड फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्लस। देखिए, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का नेम देना पड़ेगा। यहां पर P1 डॉट आप लिखेंगे हैश कोड। तो जब आप ऐसे लिखेंगे तो ये जो P1 है, जो ऑब्जेक्ट है, इसका यूनिक कोड यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। देखिए, जावा में अगर आप किसी भी चीज़ को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए इस स्टेटमेंट का यूज़ करना होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे सिस्टम में एक क्लास है, आउट क्या है उसका स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, और प्रिंट एलन क्या है, मेथड है। अभी मैं इसका पूरा सिंटेक्स आपको बताऊँगा। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसका दोबारा पूरा प्रोग्राम दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, पर्सन क्लास बनाई, पर्सन क्लास के इनसाइड दो वेरिएबल लिए, एक नेम लिया एक एज लिया, उसके बाद मैंने एक मेथड बनाया जिसके इनसाइड एज लिया नेम लिया। इस क्लास के ऑब्जेक्ट को मैंने डेमो क्लास के इनसाइड एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया,
और फिर मैंने इसको क्या किया, कॉल किया। नाउ स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हैश कोड है क्या वो मैं आपको बताता हूँ। वी कैन से डैट इट इज ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नाउ स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताता हूँ कि हैश कोड क्या होता है। इट इज़ ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एलॉटेड टू द ऑब्जेक्ट बाय द JVM। ये एक ऐसा नंबर होता है जो कि JVM के द्वारा ऑब्जेक्ट्स को एलोकेट किया जाता है और ये यूनिक होता है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप बनाते हैं उन सब के लिए ये नंबर अलग अलग होता है। द हैश कोड नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड रेफरेंस नंबर विच इज़ created based on the location of the object in memory। object हमेशा memory के inside जाके save होता है और ये जो reference number होता है उस memory location के according बनता है and is unique for all objects। देखिए except for string object, हमारे जितने भी string object होते हैं अगर string same है तो उनका reference number same रहता है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगा। अब हैश कोड जो है ऑब्जेक्ट क्लास को बिलोंग करता है और ये जावा डॉट लैंग्वेज पैकेज के इनसाइड होता है। तो नाउ स्टूडेंट्स आपने हैश कोड के बारे में देखा, अब मैं आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेथड के बारे में कुछ बताता हूँ, ठीक है। अब नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अगर आप जावा में किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर तीन चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब सिस्टम क्या है, एक क्लास है, आउट क्या है, एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट है और प्रिंट एलन क्या है, एक मेथड है। एक्चुअल में हमारे पास में एक क्लास होती है जिसे हम कहते हैं प्रिंट स्ट्रीम। इस प्रिंट स्ट्रीम क्लास के इनसाइड दो मेथड हैं, एक प्रिंट मेथड है और एक प्रिंट एलन मेथड है। अगर आप प्रिंट एलन मेथड का यूज़ करते हो तो आपको वहाँ पे जो कर्सर होता है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है और प्रिंट जो होता है वो पूरी की पूरी स्टेटमेंट को एक लाइन में प्रिंट करने के काम में आता है। तो इस प्रिंट स्ट्रीम क्लास का हमने आउट स्टैटिक मेथड बनाया है जो कि सिस्टम क्लास के इनसाइड डिफाइन है। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप किसी भी स्टैटिक मेंबर को कॉल करना चाहते हो तो वहाँ पे सिंटेक्स होता है क्लास नेम डॉट मेंबर नेम। तो आपने यहाँ पे देखा कॉल किया गया था सिस्टम डॉट आउट, आउट क्या है स्टैटिक है, तो क्लास नेम डॉट मेंबर नेम। और आपके पास में अगर नॉन स्टैटिक मेंबर होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नॉन स्टैटिक मेंबर के लिए हम ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम लिखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स की। तो एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं क्या, देखिए एक्सेस स्पेसिफायर्स जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम किसी चीज़ को किस तरीके से एक्सेस करेंगे, तो हम कह सकते हैं एक्सेस स्पेसिफायर इज़ ए कीवर्ड डैट स्पेसिफाई हाउ टू एक्सेस द मेंबर ऑफ ए क्लास और ए क्लास इट्सेल्फ। देखिए हमारे पास में क्लास है, क्लास के इनसाइड हम मेंबर डिफाइन करते हैं और किसी क्लास को भी हम एक्सेस स्पेसिफायर की हेल्प से एनकैप्सुलेट कर सकते हैं। तो एक्सेस स्पेसिफायर हमें ये बताता है कि हम उस क्लास के मेंबर को या उस क्लास को किस तरीके से एक्सेस करेंगे। नाउ हमारे पास में चार तरीके के एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं जावा में। सबसे पहले हमारे लिए दिया हुआ है प्राइवेट। देखिए अगर हम प्राइवेट की बात करें तो दीज मेंबर्स आर नॉट एक्सेसिबल एनीवेयर आउटसाइड द क्लास। आप इन मेंबर्स को क्लास के आउटसाइड एक्सेस नहीं कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सपोज हमने कोई क्लास बनाई और इस क्लास के इनसाइड हमने कोई प्राइवेट वेरिएबल डिफाइन किया। अब ये वेरिएबल
केवल और केवल इस क्लास के इनसाइड एक्सेसिबल है। अगर आप इसको आउटसाइड द क्लास एक्सेस करना चाहेंगे तो वो एक्सेस नहीं होगा और आपको कंपाइलर वहाँ पर एरर शो करेगा। नाउ जो सेकंड स्पेसिफायर है वो है हमारा पब्लिक। देखिए पब्लिक का बेसिकली मतलब क्या होता है, सार्वजनिक। तो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर की हेल्प से हम किसी भी वेरिएबल को कहीं पर भी एक्सेस करा सकते हैं। दीज आर एक्सेसेबल एवरीवेयर आउटसाइड द क्लास, यानी क्लास के आउटसाइड कहीं पर भी इसे एक्सेस किया जा सकता है। कोई दूसरा प्रोग्राम उसको रीड कर सकता है, उसको यूज़ कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि सपोज हमने कोई क्लास क्रिएट की, क्लास इसके इनसाइड हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर ए और इसको हमने क्या कर दिया, पब्लिक कर दिया। तो ये वेरिएबल इस क्लास के इनसाइड तो एक्सेसिबल है ही, बट अगर आप इस वेरिएबल को किसी दूसरी क्लास में एक्सेस कर रहे हैं, सपोज आपने यहाँ पे कोई क्लास बना दी सेकंड क्लास, तो वो यहाँ पर भी एक्सेसिबल होगा। तो पब्लिक मेंबर्स जो होते हैं वो आप क्लास के इनसाइड और आउटसाइड कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर्स की। देखिए जावा में प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर्स दिए हुए हैं, तो प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, विद इन द सेम पैकेज ये एक्सेसिबल होते हैं। और जहाँ पर पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप आता है, यानी जहाँ पर हम कह सकते हैं इनहेरिटेंस होगा, अगर आउटसाइड भी इनहेरिटेंस हो रहा है तो ये वहाँ पर भी एक्सेसिबल हो रहे होंगे। नाउ एट लास्ट हमारे पास में डिफ़ॉल्ट स्पेसिफायर्स हैं। देखिए जावा में अगर आपने किसी भी वेरिएबल को क्रिएट किया, फॉर एग्ज़ाम्पल इंटीजर ए, और इसके आगे आपने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपाइलर होता है वो इसे डिफ़ॉल्ट में ट्रीट कर लेता है। और जो हमारे डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं वो विद इन द सेम डायरेक्टरी एक्सेसिबल हैं। और हम ये कह सकते हैं जहाँ पर पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप होगा आउटसाइड द डायरेक्टरी, वहाँ पर भी ये एक्सेसिबल नहीं होंगे। प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट में केवल इतना डिफरेंस है कि जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो आउटसाइड द डायरेक्टरी, मीन्स अगर हमारे पास में दो पैकेज हैं और किसी एक पैकेज में दूसरे पैकेज की क्लास को एक्सेसिबल किया है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो रहा है, तो वहाँ पर मेंबर्स एक्सेसिबल होंगे। और डिफ़ॉल्ट के केस में ऐसा नहीं है, ये केवल और केवल अपने पैकेज के इनसाइड ही एक्सेसिबल होते हैं। स्टूडेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हम किसी क्लास को भी पब्लिक बना सकते हैं, प्रोटेक्टेड बना सकते हैं, बट क्लास को हम प्राइवेट नहीं बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे नोट दिया है, वी कैन नॉट डिक्लेयर ए क्लास एज ए प्राइवेट एज इट इज़ नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड। क्लास को हम आउटसाइड एक्सेसिबल नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्लास को प्राइवेट नहीं बनाया जाता है। तो होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स एंड हैश कोड। थैंक यू वेरी मच।